क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 4.3 द क्वेश्चन इज यामिनी एंड फातिमा टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 टुगेदर कंट्रीब्यूटेड रुपीज 100 टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स राइट अ लीनियर इक्वेशन व्हिच सेटिस्फाई दिस डेटा फुल स्टॉप ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम नाउ दिस क्वेश्चन देयर आर two students of class 9, their name are Yamini and Fatima. Now they together contributed rupees 100 towards Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. Now, so over here, using this information, the first thing is we will construct a linear equation in two variables. After constructing linear equation in two variables, then we will draw the graph. Okay? So first I am writing solution over here. Solution. Now over here we can assume that let Yamini contributed rupees x. Let Yamini contributed rupees x and Fatima contributed rupees y. Fatima contributed rupees y. So according to equation or according to question, they together contributed rupees 100. So they see Yamini contributed rupees x and Fatima contributed rupees y. Their total contribution is equal to 100. इस तरह से देखो हमने क्या क्या किया राइट नाउ वी हैव कंस्ट्रक्टेड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ड्राइंग द ग्राफ अब ग्राफ बनाना है तो कम से कम दो सॉल्यूशन चाहिए ठीक है ना एंड फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशन फर्स्ट आई एम ड्राइंग अ बॉक्स ओवर हियर इन दिस बॉक्स आई विल मेक क्रिएट थ्री पार्टीशंस 1 2 3 This is x coordinate and this is y coordinate. Okay. Now we are going to find at least two solutions. ठीक है? अगर आपको ग्राफ को बिल्कुल जैसे यहाँ पर मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, ठीक है ना? और मुझे क्या करना है? यहाँ पर ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है, करेक्ट? तो अगर ग्राफ बिल्कुल को अगर आप एग्जैक्ट चाहिए तो हम कोशिश ये करते हैं कि एक बार हम x को जीरो कंसिडर करेंगे और नेक्स्ट टाइम हम y को जीरो कंसिडर कर लेंगे ओके सो फर्स्ट आई एम कंसिडरिंग x इक्वल जीरो Now, if x equal 0, then 0 plus y equal 100. This means y is equal to what? 100. So, first solution is 0, 100. Next time, I am considering y equal 0. I am replacing y by 0. So, if y is 0, then x is equal to 100. So, the next solution is 100, 0. So, these are the two solutions, the first one is 0, 100 and the second one is 100, 0. Now we are going to represent these solutions or coordinates on the graph. ठीक है? तो देखो, अब यहाँ पे क्या है कि हमें को represent करना है graph paper पे. तो सबसे पहले, first I am drawing the graph over here. On x axis, 1 centimeter equal 10 rupees, as well as on y axis, 1 centimeter equal 10 rupees. देखो 10, 20,
जाएगा 100 और स्पेस कम करना पड़ेगा 10, 20, then 30, then 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100. ठीक है, इन द सेम मैनर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100. ठीक है, यहाँ पर चलो ऐसा लिख भी सकते हो यामिनी कंट्रीब्यूशन, यहाँ पर क्या लिख सकते हो फातिमा कंट्रीब्यूशन. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज प्लॉटिंग 0, 100 एंड 100, 0 इन द गिवन ग्राफ. सो 0, 100 नाउ 0, 100 0, 100 विल लाई ऑन y एक्सिस 0, 100 है कि नहीं, बिकॉज इट्स x कोऑर्डिनेट इज 0, तो हमने y में 100 को ढूंढा, ये 100 है, तो दिस इज द लोकेशन ऑफ 0, 100. द नेक्स्ट वन इज 100, 0 दिस 100 इन दिस 100, 0 y कोऑर्डिनेट इज 0, y कोऑर्डिनेट इज 0, तो हमें x एक्सिस पे क्या ढूंढना है, 100 को ढूंढना है. सो ऑन दिस x एक्सिस दिस इज 100 ओवर हियर, सो दिस विल रिप्रेजेंट 100, 0. ठीक है, सो राइट नाउ we have plotted 0, 100 and 100, 0 on the graph. Now next thing is, अब इनको क्या करना है, हमें दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है. सो x यहां पर लिख दो x plus y equal 100. सो दिस इज द ग्राफ फॉर द इक्वेशन x plus y equal 100.